हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, अगर आपको मेरा साउंड थोड़ा सा अजीब लग रहा था, माफ करना भाई, थोड़ा सा फीवर है। तो जैसे रिकवर हो जाएगा वापस से वो एनर्जी के साथ आ जाऊंगा। खैर, आज हम लोग का न्यू सीजन आने वाला है, इसे चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे आप देखो, 2 मिनट बचा हुआ, 7:28 हो चुका है। तो देखने वाला बात यह होगा कि हम लोग को C4S12 देखने को मिल रहा है, सीजन की C5S13 देखने को मिलेगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि C4S12 आ जाए, क्योंकि भाई इतना मेहनत की है, ओवरबोर्ड और वो सब भी मिल जाएगा अगर C4S12 आता है तो। क्योंकि अगर C5S13 आता है तो वापस से 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट C4S12 ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सीजन पीछे ही चलेंगे पबजी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भी रॉयल पास पीछे ही जा रहा है, तो भाई हम लोग का जो सीजन है वो भी पीछे जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ आप लोगों का एक जो डाउट है वो भी क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसे हम लोग गेम ओपन करेंगे, उसके बाद जो आपका रॉयल पास वाला डाउट है कि नेक्स्ट वाला जो अपडेट आने वाला है, काफी लोग मुझे पूछ रहे थे भाई नेक्स्ट रॉयल पास हम लोग का A3 आने वाला ना कि A2, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस, फाइनली आप देख पाए 7:30 हो चुका है। चलो गेम को ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा सीजन हम लोग को विजय वाला दिया है, और वापस से आपको अपना जो जर्नी है ना कॉन्करर के लिए वो स्टार्ट करना होगा। अगर आप कॉन्करर जाना चाहते हो तो आज ही से स्टार्ट कर लो, अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि भाई आपको पता है गेम के अंदर 6 घंटा का लिमिट है। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऊपर जाओगे ना, तो उतना जल्दी आपको कॉन्करर मिल जाएगा। बाद में अगर आप कोशिश करो, ज्यादा बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा कि कॉन्करर का कोई फिक्स ट्रॉफी नहीं होता है। अभी जो जैसे ही स्टार्ट होगा तो 4200 ट्रॉफी में कॉन्करर मिल जाएगा। तो जैसे जैसे लोग आगे जाते रहेंगे ना, उसके बाद आपको और टफ रहेगा कॉन्करर जाने के लिए। तो गाइस, एक बहुत ही बेहतरीन चीज देखने को मिला, फाइनली साइकिल फोर सीजन 12 हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिसका मतलब ये है कि हम लोग को इस बार डायमंड लीग में, उसके साथ साथ क्राउन लीग में और एस लीग में हम लोग को मिलने वाला है मिथिक वाला चीजें। तो चलो यस करते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि विजय में जो इसमें डालते हैं इसका भरोसा मत करना। देखो इसमें देख पा रहा हूँ ना, इसमें अगर हम लोग विजय में सर्च करते हैं, इस लोग कुछ भी डाल देते हैं इसमें। ओके, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और इधर ध्यान से देखो, ये लोग ये फोटो डाले थे C5S13, बट एक्चुअल में आया C4S12। लिटरली मैं खुश हूँ भाई, ये दे दिया। कलेक्ट पर क्लिक करते हैं और इधर आप देख पर हम लोग को मिल चुका है एस मास्टर का नेम टैग, उसके साथ साथ टाइटल हम लोग को मिल चुका है एस मास्टर का। ये हम लोग को 1000 सीजन टोकन मिल गया, और उसी के साथ साथ स्पेशल टीम इफेक्ट भी हम लोग को मिल चुका है। टैप एनीवे करते हैं, उसके बाद आप देख पर हम लोग एस मास्टर तक मैं गया था। नेक्स्ट करते हैं, अभी हम लोग का रीसेट होकर आ गया प्लैटिनम 1 में, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका था कहाँ रीसेट होकर आएगा। यस करते हैं और इधर आप देख पा रहे, फाइनली आपको C4S12 हम लोग को देखने को मिल रहा है, ना कि हम लोग को C5S13। काफ़ी अच्छा चीज़ हुआ। और न्यू जर्नी विगन और क्लिक करते हैं, ये हम लोग को टाइटल मिल चुका है, इसको काट देते हैं। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हम लोग का न्यू सीजन आ चुका है, जिसमें हम लोग जैसे कि आप देख पा रहे मैं ऑलरेडी ब्रॉन्ज में हूँ, तो मुझे मिल चुका है सप्लाई कूपन, उसको कलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप देख पा गोल्ड टीयर में हम लोग को मिल जाएगा, सॉरी सिल्वर टीयर में हम लोग को मिल जाएगा ये वाला क्लासिक कूपन। और इधर आप देख पा गोल्ड टीयर में, जैसे ऑलरेडी गोल्ड टीयर में हूँ, जैसे मैं 5 मैच खेलूंगा टॉप 10 आऊँगा, तो इधर ये वाला आउटफिट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये आप कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। प्लैटिनम टीयर में आपको ये वाला ग्लास मिल जाएगा। उसके साथ साथ डायमंड टीयर में आप देख पा रहे, डायमंड टीयर में हम लोग को M16 का स्किन मिल जाएगा ये वाला। क्राउन टीयर में आप देख पा रहे रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड मिलेगा। एस टीयर में आप देख पा रहे हो कि हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा। एस मास्टर में देख पा रहे ये वाला हेडगेयर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एस डोमिनेटर में ये और कॉन्क्रेट का तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ अगर आप पैरासूट लेना चाहते हो साइकिल फॉर सीजन 12 का, तो आप इधर से ले सकते हो। अगर आप सिल्वर लेना चाहते हो तो सिल्वर भी रीसेट हो चुका है, तो फटाफट से आप 2000 सिल्वर इधर से निकाल सकते हो, ठीक है। यह हर एक सीजन रीसेट होता है, तो डेफिनेटली इसको मिस मत करना। 5 सीजन का भी कुछ चीज़ें ले सकते हो, बट इधर आप देख पा रहे हो। उसी के साथ साथ देख पा रहे हो कि हम लोग परचेज बोनस भी आ चुका है। तो फाइनली देख पा रहे हो अभी जगह परचेज बोनस आया, रॉयल पास का टाइम आया नहीं था। तो एक काम करते हैं ना, इसे परचेस कर लेते हैं, वेट अ सेकंड। चलो फटाफट से मैं ये एंड्रॉइड परचेस करता हूँ। इधर आप देख पा iOS में काफ़ी महंगा है, तो वो चीज़ें परचेस करके आपको मिलता हूँ। मुझे कौन सा पैक लेना होगा, ये 60 वाला 2 बार लेना होगा, तब जाके वो वाला 120 वाला आउटफिट आप लोग को मिल जाएगा। केवल गेम में ऐड करना है UC, आपको UC लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 120 UC हम लोग ऐड करते हैं फटाफट से, उसके आगे मिलता हूँ। इधर देखो फाइनली हम लोग परचेस बोनस वो कलेक्ट हो जाएगा, उसे हम लोग क्लिक करते हैं। हेडगेयर मिल चुका है, ओके करते हैं, इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ये भी हम लोग को मिल चुका है। तो इसमें जस्ट आपको UC ऐड करना है, इसको मतलब वेस्ट नहीं करना, कहीं स्पेंड नहीं करना, जस्ट ऐड करोगे 120 UC आपका वो हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये वाला हेड गियर मिलेगा हम लोग को, ओके काइंड ऑफ फ्री बोल सकते हो, जस्ट UC ऐड करना है। और उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं क्लैन में। तो क्लैन में आप देखो फाइनली क्लैन बैटल भी स्टार्ट हो चुका है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो आप देख पाए हम लोग रजिस्टर स्टार्ट हो चुका है, और 5 दिन बाद इसका मैच लगने वाला, ठीक है। तो अभी 5 दिन तक ये लोग फाइंडिंग करेगा, हम लोग क्लैन के हिसाब से दूसरा क्लैन खोजेगा सिंगलर,
तो उसके बाद हम लोग का क्लैन बैटल स्टार्ट होगा, ठीक है। और बाकी तो आपको ये सब पता ही है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा रॉयल पास आने वाला है, A2 और A3। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट जो अपडेट होने वाला है वो तो हम लोग का हेलोइन होने वाला है, तो विजय वाला A2 रॉयल पास से क्या करेगा। तो विजय वाला को पहले भी फर्क नहीं पड़ता था थीम से, अभी भी नहीं फर्क पड़ने वाला भाई, वो अभी सिक्वेंस में ही देगा। क्योंकि अगर वो लोग को देना रहता A2 तो अभी दे रहता, ना कि A1 के बाद A3 देगा। और उसी के साथ साथ कुछ एविडेंस भी है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पर जो हम लोग का RP पॉइंट है इधर आप देख पाओगे। हाँ गया, ये देखो ये A2 रॉयल पास का है ना कि A3 रॉयल पास का, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट जो हम लोग का रॉयल पास आने वाला है उसमें हम लोग को UMP का अपग्रेडेबल गन मिलने वाला। A3 आएगा तो भाई उसमें क्रॉसबो मिलेगा, तो A2 ही आएगा और उसमें आप UMP रिडीम कर पाओगे और उसको अपग्रेड कर पाओगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या कोई वीडियो वीडियो बना देता है डराने के लिए और आप लोग डर भी जाते हो, बट अगर आप गेम को कुछ चीज़ें वेरीफाई करोगे तो आप खुद का आंसर मिल जाए, किसी का वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आप देख पर हम लोग को गोल सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो इस बार शायद से एज डोमिनेटर सेट कर लेते हैं 5200, इस बार 5100 तक गया था, सेट कर देते। ओके, अगर रीच करता है तो वो हम लोग पहुँच जाएंगे, नहीं तो उसको हम लोग कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आखिर तक मान लो 2-3 दिन बचा हुआ है तो उस टाइम आप चेंज कर सकते हो, अगर आप उतना दूर पहुँच नहीं पा रहे हो या उससे ऊपर पहुँच जाओगे तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको प्रीमियम कूपन 2 मिल जाएगा, ठीक है। और उसका सीजन का डेट देख लो, 21 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक, मतलब अपडेट तो पहले आएगा, रॉयल पास भी पहले ही आएगा, बट जो आपका बोल सकते हो सीजन है वो आपस से अलग आएगा। तो सीजन, अपडेट एंड रॉयल पास, ये तीनों अलग अलग डेट में आएगा, एक साथ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम साइकिल पर क्लिक करते हैं और फाइनली जी हाँ, जैसे आज ही आप डायमंड पहुंच जाओगे तो आपको ये मिथिक वाला हेडगियर मिल जाएगा। उसका जैसे ही आप आज क्राउन पहुंच जाओगे तो आपको ये वाला आउटफिट मिल जाएगा, और जैसे ही आप आज ही अगर एस पहुंच जाते हो तो ये वाला होवरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये आराम से भी कर सकते हो, काफ़ी लोग एक ही दिन में सब कंप्लीट करने सोचते, तो इसलिए मैं बोल दिया कि आज अगर आप पहुंच भी जाते हो तो आज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि ऑलरेडी सब कंप्लीट हो चुका है। तो चलो, ओवरऑल आई होप आपको सीजन के बारे में सब कुछ पता चल गया। अच्छा बात यह है कि हम लोग को C5 वाला सीजन देखने को नहीं मिला, नहीं तो हम लोग और 6 महीना वेट करना पड़ता साइकिल रिवॉर्ड के लिए, तो काफ़ी अच्छा बात है। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।